जैसा आप देख पा रहे हो हम आए हैं राष्ट्रपति भवन। दोस्तों दिन के 1 बज रहे हैं और अब हम निकल चुके हैं राष्ट्रपति भवन के विजिट के लिए। दोस्तों मैंने 2:30 बजे का स्लॉट बुक किया था राष्ट्रपति भवन की विजिट के लिए, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी चेक के लिए मुझे आधा घंटा पहले पहुँचना है। राष्ट्रपति भवन जाने के लिए मेट्रो एक अच्छा ऑप्शन है। येलो लाइन की मेट्रो से हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन उद्योग भवन और अब हम यहां से उतरकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे। आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, यहां से ये वॉकिंग डिस्टेंस पर है, लेकिन मुझे अंदर भी घूमना है तो हम यहां से ऑटो कर लेते हैं। दोस्तों विजिटर रजिस्ट्रेशन मैंने बुधवार को दिन में 2 बजे कर लिया था और रजिस्ट्रेशन करने के कुछ ही घंटों बाद रजिस्ट्रेशन अप्रूवल का मेल मुझे मिल गया था, जिसका आज मैंने प्रिंट आउट ले लिया है जो हमें यहाँ कई जगह दिखाना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम गेट नंबर 2 से एंट्री कर रहे हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको 37 नंबर गेट से एंट्री मिलेगी, क्योंकि वहां गाड़ी को पार्क करने की सुविधा है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन। देखो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर। दोस्तों राष्ट्रपति भवन आम पब्लिक के लिए हफ्ते में 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को खुलता है, लेकिन यहाँ आने से पहले आपको राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। दोस्तों राष्ट्रपति भवन विजिट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें और कब करें, पर पर्सन रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या हैं और क्या आपको लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है, इसका कंप्लीट वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है। आपको यह वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। इसी के साथ राष्ट्रपति भवन के विजिटर रजिस्ट्रेशन वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों यह है भारत की शक्ति शान और सुंदरता का विशाल भवन राष्ट्रपति भवन। अब हम सीधा रिसेप्शन पर जाएंगे जहां से हम लोगों का रजिस्ट्रेशन अप्रूवल और ओरिजिनल फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड दिखाकर एंट्री पास बनेगा, जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा। एंट्री पास बनाने के बाद आपको अपना बैग मोबाइल यहां जमा करके आप गाइड के साथ राष्ट्रपति भवन को देखने जाएंगे। फ्रेंड्स आज हम आए हैं राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन में आपकी एंट्री सैटरडे संडे हो सकती है। संडे को हम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उस दिन भीड़ ज्यादा हो जाएगी, तो हम आज निकले सैटरडे को और आगे चलते हैं। अंदर हम कुछ भी लेके नहीं जा सकते, बैग पानी की बोतल आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते, सिर्फ आप खुद को लेके जा सकते। दोस्तों आज हम यहाँ देखेंगे राष्ट्रपति भवन का मुख्य भवन, दरबार हॉल, अशोक हॉल, बैंकेट हॉल, ड्राइंग रूम समेत राष्ट्रपति भवन के इतिहास को। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति भवन के अंदर किसी भी तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है। अभी जो अंदर की वीडियो देख रहे हैं उसे मैंने राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से लिया है। दोस्तों थोड़ा सा इतिहास आपको बता देते हैं राष्ट्रपति भवन का। सर लुटियंस ने डिजाइन किया था राष्ट्रपति भवन को, जो 330 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों इस भवन की कुल 4 मंजिलों पर 340 कमरे हैं। जब इसे बनाया गया था तो इसे वायसराय का आवास कहा गया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो इस भवन को सरकारी आवास में परिवर्तित कर दिया गया और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में इस भवन का नाम राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय गुम्बद के नीचे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी। दोस्तों ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि इस भवन को सबसे पहले देखने वाले भारतीय नेता महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच बैठकों का प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता यहीं पर हुआ था। दोस्तों आज़ादी के बाद से राष्ट्रपति भवन में खासकर सरकारी समारोह के साथ साथ डिफेंस डेकोरेशन सेरेमनीज, नेताओं के शपथ ग्रहण, राष्ट्रीय सम्मान समारोह, अन्य देशों के साथ समझौता और इसी के साथ साथ भारत के नेशनल फेस्टिवल स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस का समारोह भी यहां मनाया जाने लगा। दोस्तों अब राष्ट्रपति भवन को देखने के लिए आम पब्लिक भी आ सकती है। और दोस्तों राष्ट्रपति भवन को देखने के लिए इसे 3 सर्किट में बांटा गया है। सर्किट 1 जिसमें राष्ट्रपति भवन का मुख्य द्वार होगा और सर्किट
2 में राष्ट्रपति भवन संग्रहालय की यात्रा शामिल होगी। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन की मेन बिल्डिंग जिसे अभी हम विजिट कर रहे थे, इसे देखने के लिए आप शनिवार और रविवार को आ सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति भवन का म्यूजियम सोमवार को छोड़कर बाकी सभी दिन खुला रहता है। राष्ट्रपति भवन म्यूजियम विजिट का वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी विजिट किया, राष्ट्रपति भवन के इनसाइड का व्यू भी आपको दिखाया। अब हम आ चुके हैं रिसेप्शन पर, और रिसेप्शन के बगल में ही एक सोवेनियर शॉप है जहाँ से आप कुछ इस तरह के टी शर्ट और पेन और बहुत सारी राष्ट्रपति भवन से जुड़ी हुई यादों को आप ले सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल रेट में यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने 400 में एक ये टी शर्ट ली है जिस पर राष्ट्रपति भवन का ये लोगो डिज़ाइन किया गया है। इसको हमने यादों के स्वरूप में खरीदा है, और इसी के साथ साथ एक 400 रुपीज़ का हमने एक यूनिक पेन लिया है राष्ट्रपति भवन से। तो दोस्तों, अगर आप यादों के तौर पे यहाँ से कुछ लेकर के जाना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ का जो पेन था वो बहुत ही अच्छा लगा। आप अपने किसी मित्र को, रिलेटिव को आप ये गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे विजिट कर लिया है, अभी हम बाहर आ चुके हैं और अब हम यहाँ जो कुछ भी देखेंगे उसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, ये फोर कोर्ट और राष्ट्रपति भवन का सेंट्रल डोम है। दोस्तों, ये सेंट्रल डोम विजय चौक से भी दिखाई देता है। दोस्तों, फोर कोर्ट से 55 मीटर ऊपर इसकी चोटी पर अपना नेशनल फ्लैग फहरा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ये सांची के बौद्ध स्तूप से प्रेरित है, और ये सेंट्रल डोम तांबे की प्लेट से ढका हुआ है। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने जयपुर कॉलम है। जयपुर कॉलम राष्ट्रपति भवन फोर कोर्ट के ऊपर 145 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि मुख्य द्वार से लगभग 555 फीट की दूरी पर है। दोस्तों, ये जयपुर कॉलम महाराजा माधव सिंह द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, जयपुर कॉलम बलुआ पत्थर से बनाया गया है, और इसके ऊपर 5 टन कांसे का कमल है, जिसमें एक कांच का बना हुआ भारत का तारा स्थित है, जो कि 1930 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, इसी जयपुर कॉलम के सामने हर शनिवार को चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी होती है। यह एक पारंपरिक सैन्य अभ्यास है जिसमें पुराने गार्ड अपनी ड्यूटी बदलते हैं और नए गार्ड उनका स्थान लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी भी देखने आएंगे और ढेरों सारी जानकारी से भरा रोमांचक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। सेरेमनी का यहाँ पे जो वीडियो होगा वो सारा हम शूट करेंगे, वो आपको हम दिखाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे टूर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पर लेकर के आते रहते हैं आपके लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें।